हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लगन गढ़वाली फैमिली। तो आज हम आए हैं एसी लेने और घर के लिए हमने शॉपिंग शुरू कर दी है। क्या क्या हमने लेना, हमने ये पहले ही लिस्ट बना ली थी और साइड बाय साइड घर का काम तो चल ही रहा है। हमने कहा जब तक घर का काम चल रहा है जो चीज़ें हमने लेनी है, जो ज़रूरी है वो हम लेना स्टार्ट कर दें। और आजकल विंटर है, आपको पता ही है, विंटर में एसी वगैरह सस्ते मिलते हैं और रीज़नेबल प्राइस में, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। गर्मी आ जाएंगे तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई मतलब 15 अगस्त या दीपावली उस पर डिस्काउंट मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। और आज मैं बच्चों को भी लेके आई थी साथ में, बड़ी मुश्किल से बिठा के रखा क्योंकि बच्चे ना टिकते नहीं एक जगह पर, माधव तो इधर उधर भागी जा रहा था और मैंने इसको एक जगह पे फिर बड़ी मुश्किल से बिठाया और ऐसे बैठ गया था जैसे किसी होटल में खाना खाने आया है। और काफ़ी सारे एसी के ब्रांड थे, मेरे को तो खैर इतनी नॉलेज नहीं है एसी वगैरह की, तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे और हमने सोचा हुआ था कि भाई हम वोल्टास का लेंगे, वोल्टास का बढ़िया एसी होता है कहते। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी रिसर्च की तो वोल्टास का ही उन्होंने चूज़ किया कि भाई वोल्टास लेंगे। लेकिन ना हम थोड़ा सा ये देख रहे थे, थोड़ा एक तो डिस्काउंट किस पे है, आजकल विंटर है तो थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा था और गर्मियों में तो फिर आपको पता ही है बिना एसी के गुजारा नहीं है। वैसे हम एसी लगाने के उसमें थे नहीं, हमें ये था कूलर लगाएं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो ना चारों मतलब हर तरफ से सोचती है, तो मेरे को ये था कूलर लगाए, लेकिन कूलर का ना बन नहीं पा रहा था सीन। अगर ये इन्होंने कूलर का प्रोविज़न दिया होता तो मैं कूलर ही लेती, लेकिन दिया नहीं हुआ कहीं पे भी कूलर का। प्लास्टिक वाला तो खैर ले सकते हैं जो घर के अंदर ही लग जाता है, लेकिन दूसरा वाला नहीं ले सकते, विंडो वाला नहीं ले सकते। तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो जो इनडोर है वही ले लेंगे, आउटडोर वाला तो लग नहीं सकता, तो फिलहाल एसी ले लेते हैं। और गर्मियों में तो फ्रेंड्स एसी में खैर मज़ा ही आता है, आराम से ठंडा ठंडा लगता है अंदर रूम। और हमने ना 2 एसी लेने थे तो हम भैया से डिस्कस कर रहे थे कि अगर 2 एसी लेते हैं कितना डिस्काउंट है, एक लेते हैं तो कितना डिस्काउंट है, कौन से कार्ड पे ज़्यादा डिस्काउंट है, तो हम वो सब बातें कर रहे थे। और बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे आराम से, ये जो जिस पे मैंने माधव को बिठाया था ये ना बेचारा बार बार बोल रहा था मेरे को ना नीचे उतरना है, लेकिन चेयर इतनी ऊँची थी कि भाई वो उतर नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा तो इसमें बैठा रहे आराम से, थोड़ा चेयर की वजह से ना टिका हुआ था, अगर चेयर थोड़ा नीचे होती ना तो ये अपने आप उतर के भागने लग जाता, और कोशिश कर रहा था जंप मारने की बार बार, और मैं रोक के वो मतलब बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था। मैंने कहा नहीं, जंप मारेगा तो नीचे गिर जाएगा, फिर बेचारा ना मान भी रहा था तो फटाफट उधर हो गया, पैर उधर कर लिया कहीं सच्ची में मैं गिर ना जाऊँ। एसी वगैरह लेने के बाद हम आए दूसरी साइड और नीचे है ये गाड़ी पार्किंग की जगह, और ऊपर से काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे चिमनी, क्योंकि हमने ना चिमनी भी लेनी थी तो देख रहे थे हम कौन सी लेनी चाहिए जगह के अकॉर्डिंग, मतलब कितनी स्पेस है वहाँ लगाने की। और बच्चे काफ़ी थक चुके थे फ्रेंड्स, उसके बाद ना हम यहाँ पे साइड में ना धूप आ रही थी काफ़ी अच्छी, तो पूरी सर्दी तो हम धूप ले नहीं पाए क्योंकि घर के काम में इतना बिजी हो गए। अब की बार विंटर बिल्कुल भी हमने इंजॉय नहीं किया, ना धूप ले पाए ना हम चैन से बैठे। और घर बनाना मुझे लग रहा है सच्ची में, जो बोलते हैं ना कि घर बनाना कितना मुश्किल है, जो पहले ज़माने के लोग होते थे बोलते थे जब तुम बनाओगे घर तुम्हें पता चलेगा, तो वाकई में घर बनाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखे हमने फ़ैन, हमें लगा फ़ैन वगैरह भी आजकल थोड़ा रीज़नेबल प्राइस होगा क्योंकि सर्दियों में जो गर्मियों की चीज़ें ज़्यादा बिकने वाली होती है सर्दियों में थोड़ा रीज़नेबल प्राइस हो जाता है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला रहने दे इसको। उसके बाद आई मैं देखने के लिए हॉब वगैरह, कुकटॉप वगैरह, और ये प्रेशर कुकर थे, कढ़ाई थी, मतलब किचन का पूरा सामान था। और यहाँ पे मैं देख रही थी गैस, ये हॉब वगैरह, और वैसे तो हमारे पास है लेकिन ना काफ़ी पुराना हो गया, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई किचन के थीम के अकॉर्डिंग नया लेंगे, और नए घर में ना नई नई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे ही देख रही थी साइज़ वगैरह इसके हॉब। और माधव यहाँ पे ना मेरे को परेशान कर रहा था, मैं उसको ना डांट रही थी कि भाई मत कर परेशान, हर चीज़ को ना छेड़ी जा रहा था। और ये था फ्रेंड्स अपना ये वैक्यूम वगैरह क्लीन करने के लिए। उसके बाद बच्चों को ना भूख लग गई तो ये भूख भूख करने लग गए, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो थोड़ा कुछ खिला देते हैं बच्चों को। फिर हम बगल में ही था हल्दीराम तो वहाँ पे आ गए, और बच्चे कहते हैं हमने ना छोले भटूरे खाने हैं, दिन के खाने का टाइम हो गया था, तो फिर हमने कहा चलो यहीं पे खा लेते हैं। 3 बज गए थे, मैंने कहा घर जाके खाना बनाऊँगी, 4, 4:30 बज जाएंगे, तो हमने कहा चलो बाहर से खा लेते हैं। उसके बाद ना ये बच्चों के टेंट्रम्स इतने होते हैं, माधव तो बहुत परेशान करता है खाना खाने के लिए, इतने टेंट्रम्स होते हैं बच्चों को, बड़ा मुश्किल से मनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब हमने ना बच्चों को घर पे छोड़ दिया, बच्चे काफ़ी थक चुके थे, और उनको साथ में लेके जाओ ना तो कुछ देखने भी नहीं देते। हम आए थे खोलर के शोरूम में, और ये था टैब, काफ़ी क्यूट था, चिड़िया सी लग रही थी। और हमने लेना था वॉश बेसन और टैब लेना था, लेकिन संडे को ना इनकी शॉप बंद होती है, तो भैया ना बस वो सफाई करने के लिए
लिए आए थे और वो ना जा ही रहे थे, तो हमने वो उन्होंने बोला कि भाई जो मेन बंदा है जो ऑनर है वो तो है नहीं आज क्योंकि संडे है छुट्टी है, तो कल आएंगे। तो भैया हमने बोला भैया को चलो कम से कम हमें दिखा तो दो, तो फिर उन्होंने बेचारों ने ना वो बस लॉक लगा के जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कोई नहीं देख लो। और ये जो पॉट था ना ऑटोमेटिक था, इसके पास जाओ ना तो अपने आप खुलता है ये। पहले हम जब गए तो अपने आप खुल गया लेकिन बंद नहीं हो रहा था, खुद ही हमने हाथ से बंद किया। फिर मैंने कहा वीडियो में दिखाती हूँ, मुझे लगा था इंसान ही भाव खाते हैं आज के ज़माने में, लेकिन पॉट भी भाव खा रहा था। उसके बाद मैं उसके पास गई तो खुल गया था। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ वॉश बेसिन वगैरह मतलब कौन से चल रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है ट्रेंड में। और आजकल तो काफ़ी शेप आने लगी है इसके, स्क्वायर में आ रही है, ट्रायंगल में आ रही है, गोल में आ रही है, बोट टाइप में आ रही है, बाउल टाइप में आ रहा है। तो इन्होंने ना काफ़ी सारे वॉश बेसिन के सैंपल वो रखे हुए थे बना के, टैब भी उसके अकॉर्डिंग बना के रखे थे, थीम के अकॉर्डिंग गोल्डन सिल्वर मतलब पूरा थीम बनाया था, किसके साथ गोल्डन जाएगा किसके साथ सिल्वर जाएगा, तो जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लाइटिंग वगैरह लगा के तो और ही सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा था पूरा होटल टाइप का बनाया हुआ। टावल वगैरह भी रखे हैं, यहाँ पे था मिरर लगाया हुआ, उसमें ना लाइट ऑन हो रही थी, मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ, जब सारे दिखाया तो इसको भी क्यों छोड़ना बेचारे को। उसके बाद इन्होंने कुछ ये बनाए थे बाथ वगैरह नहाने के लिए बनाया था कुछ एरिया, तो उसको अलग से वो किया था स्लाइड वगैरह डोर लगा के मिरर वाला, जो आजकल चल रहे हैं ये मतलब वॉशरूम अगर छोटे हैं तो ये पार्टीशन लगा के स्लाइडिंग वाला वो करके, तो उसका वो दिखाया हुआ था थोड़ा सा। उसके बाद मेरे को याद आया कि भाई मैंने ना स्टार्टिंग में यहाँ पे वो देखा था एक बाथटब, तो वो मैंने दिखाना ना भूल गई, तो अभी मैं उधर ही जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने उसकी तो वीडियो बनाई ही नहीं, और ये वही पॉट है जो भाव खा रहा था थोड़ी देर पहले। तो उसके बाद मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे देखा था, क्योंकि काफ़ी ना कंफ्यूजिंग रास्ता था, ये पजल सी थी, एक से डोर से जाओ दूसरे से जाओ पता नहीं चल रहा था। तो ये आ गई मैं उसके पास, ये था फ्रेंड्स बाथटब। इसको ना अभी उन्होंने पूरा बना दिया है या बनाया नहीं है या ऐसे ही है पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा था। वीडियो में तो खैर इतना दिख नहीं रहा है, एक ये था, ये तो छोटा सा था, ये तो ठीक लग रहा था, लेकिन वो बहुत बड़ा था वीडियो में, तो इतना बड़ा लग नहीं रहा। इसमें तो मुझे लग रहा है कि भाई पूरा मतलब दो तीन फैमिलियाँ नहा लेंगी इसमें बैठ के। तो उसके बाद दोबारा फिर से मैं वहीं जा रही हूँ, वो दिखाना भूल गई थी तो इसलिए वापस गई, अब मैं फिर से वहीं आ रही हूँ। तो ये सैंपल जो उन्होंने बनाए हैं ये गलियाँ सी, थोड़ा मैंने कहा चलो ये भी दिखाऊं। और इन्होंने ना काफ़ी वो मतलब वो भी रखे हुए थे साथ में, टावल फेस वॉश वगैरह सारा कुछ रखा हुआ था, हर उसमें जो जो जितने भी सैंपल बनाए थे सब में टावल और फेस वॉश तो रखा ही हुआ था। और इसका थीम था ब्लैक और गोल्डन में, और मेरे को ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि वाइट वाले वॉश बेसन ज़्यादा चल रहे हैं, और वाइट वाले की ना एक अलग ही लुक आती है, और हमें भी यही था कि हम ना वाइट में ही ले, क्योंकि कलरफुल भी आजकल चल रहे हैं, लेकिन मेरे को ना थोड़ा यूनिक सा ही ऐसे लगता है कि भाई सिंपल सोबर होना चाहिए, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं सिंपल सोबर हो। सब में जो मिरर लगाए थे ना इन्होंने पूरे डिज़ाइन वाले लगाए थे, कोई सर्कल में कोई ये चौरस में, ये मैं इसमें लाइट वगैरह थी जला के दिखा रही थी, कोई ओवल शेप में कोई ट्रायंगल में, ऐसे ना सब में अलग अलग शेप थी मिरर की, जो कि काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे और काफ़ी बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो फिर लगे थोड़ा सा अपनी वीडियो बनाई जाए। और थोड़ा गैस का इन्होंने वो भी रखा हुआ था कि भाई ये जो हॉब वगैरह है और ऊपर चिमनियाँ वगैरह, मतलब सब कुछ ही था टोटल। ये थे टैब, आजकल तो टैब भी कितने तरह के चल चुके हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूसरी साइड में, यहाँ थी लाइटिंग वगैरह, और ये भैया ने ना पहले बंद करके रखे थे और बाद में सारी लाइट ऑन कर दी, झूमर वगैरह ज़्यादा तो नहीं था खैर थोड़े बहुत थे। इसका मैंने रेट मतलब प्राइस पूछा, उनको पता नहीं था भैया को, और कईयों की तो मतलब उन्होंने लगाया हुआ था लिख के, लेकिन कईयों का नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ, क्योंकि लाइट वगैरह भी अभी लेनी है हमने, लेकिन वो हम सोच रहे हैं हम ना वो दिल्ली जाके लें, और कहाँ से लूँगी मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी, जिस दिन लेने जाऊँगी मैं उसका भी बताऊँगी आपको, लाइटनिंग वगैरह मतलब कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ पे रीजनेबल प्राइस है, सारा कुछ वो दिल्ली से लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं उसी की डालूँगी। तो अभी तो मैं सिर्फ मतलब एक्सपीरियंस लेने आई थी, तो कौन सी चल रही है लाइटें, कैसी चल रही है आजकल, कौन सा फैशन चल रहा है और क्या क्या है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स मॉल में आए हैं तो महंगा ही मिलेगा, तो लाइट वगैरह तो मैंने ऐसे ही वो किया था, कुछ ज़्यादा ब्राइटी भी नहीं थी उसमें लाइट वगैरह की, और थोड़ा ये है कि चलो नॉलेज ले लेनी चाहिए, जहाँ से मिल रही है वहाँ से नॉलेज ले लेनी चाहिए। और यहाँ से हमने वॉश बेसिन हमने देख लिए थे और हमें ना पसंद भी आ चुके थे, लेकिन आज वही है, आज आए नहीं थे जो इनका ऑनर था, वो आज आए नहीं थे, तो कल आना था, फिर हमें दोबारा हमने कहा चलो कल मंडे को आएंगे, लेकिन जो हमने लिए मतलब
पसंद आए थे, और हमने ना फोटो वगैरह पिक्चर वगैरह क्लिक कर ली थी कल। हमने कहा बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा ना यहीं पे आएंगे और ये वॉश बेसिन हम देख लेंगे। उसके बाद मैं आई हूँ दूसरे वाले उसमें, तो यहाँ पे तो थे ऑनर, लेकिन यहाँ ना वॉश बेसिन वाइट कलर में बहुत कम थे, सारे दूसरे ही थे। और ये देखो फ्रेंड्स, आजकल अगर वैनिटी वगैरह नहीं बनानी है तो ये पत्थर लुक वाली सारी वैनिटी आ रही है। ये तो वॉश बेसिन ही थे, कुछ ग्लॉसी में थे, कुछ मैट फिनिश में थे। और ये वाली वैनिटी भी काफ़ी चल रही है आजकल, जिसमें वैनिटी बनाने की लोड ही नहीं है। वॉश बेसिन भी ऊपर से बना हुआ है, टैब भी लगे हुए हैं। ये कुछ ऐसे सैंपल थे, तो भैया ने बोला कि भाई हमारे मतलब कि यहाँ थोड़ा शोरूम की भी वीडियो बना दो आप वॉश बेसिन अगर कोई लेना चाहते, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और जो ये रेडीमेड वैनिटी थी फ्रेंड्स, ये ना 12,000 से स्टार्ट थी, और बाकी तो फिर ऊपर नीचे और भी थी इनके पास काफ़ी सारी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।